जब रोम जल रहा था तो नेहरू बैठा बांसुरी बजा रहा था। हम ये एक लाइन, एक मुख्तसर सा जुमला पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं और इसका पस मंज़र जानने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन ये मिसाल वहाँ दी जाती है, ये मुख्तसर सा जुमला वहाँ दोहराया जाता है जहाँ सूरत हाल वैसी हो जो इस वक्त खुदा न खास्ता मेरे मुँह में खाक पाक सर ज़मीन की है। नेहरू वो शख्स था जिसकी माँ ने उसको बादशाह बनाने के लिए जोड़ तोड़ की, उल्टी सीधी गलत सलत शादियाँ की, उसे इख्तदार दिलाया, और जब इख्तदार में वो आ गया तो वो एहसान फरामोश खुद गर्ज मतलब परस्त शख्स था जिसने अपनी माँ को मौत के रास्ते में धकेलने के लिए वहाँ तक भेजा कि जहाँ उसका जहाज डूब जाता, जहाँ साजिशें होती हैं, जहाँ जोड़ तोड़ होती है। बच के वापस आ गई तो एक और तरीके से मौत की वादी में धकेल दिया। पड़ोसी कह रहे हैं, मोदी जी, पाकिस्तान के पड़ोसी मोदी जी फरमा रहे हैं कि जो हर तरफ दहशतगर्दी करवाता फिरता था, उनके यहाँ अभी आटा नहीं है, आटे को तरस रहे हैं। वो मदारी जो डुगडुगी बजाने में मसरूफ था, अब ढोल बजा रहा है और ढोल बजाने में इतना मस्त है, इतना मगन है कि उसे ज़रा भी एहसास नहीं कि उसका ढोल फट चुका है, और उसकी भौंडी आवाज़, उस फटे हुए ढोल की मकरू आवाज़ दूर दूर तक जा रही है, और इस फटे हुए ढोल की आवाज़ से किस किस को अजियत पहुँच रही है उसे उसका एहसास ही नहीं है। उसे तो बस ये है कि मैं इस वक्त ज़मीन का खुदा हूँ। ये वो वक्त आ गया है कि उसकी डुगडुगी पे नाचने वालों ने मना कर दिया है और उससे बगावत करने पर उतर आए हैं। उसके अपने साथी उससे अलग हो रहे हैं और वो उन्हें किसी और रास्ते पर भेज रहा है। शहीद हकीम मोहम्मद सईद कहा करते थे, पाकिस्तान अतियाए खुदाबंदी है। बिलाशुबा पाकिस्तान अतियाए खुदाबंदी है और इसमें हर वो चीज़ मौजूद है जो दुनिया के किसी और खित्ते में मौजूद नहीं है। जोग्राफियाई महले वकूँ से लेकर आबोदाना तक वो कुछ है यहाँ जो सिर्फ़ और सिर्फ अतियाए खुदाबंदी है। लेकिन अगर कोई मदारी ये कहो कि जो मैं कहूँगा तुम वही करोगे, जो जिस तरह मैं नचाऊँगा तुम उसी तरह नाचोगे, तो एक शख्स है जिसने इनकार कर दिया, अब उसके पीछे बहुत सारे इनकारी मौजूद है, अवाम का एक जम गफ़ीर है जो उसे सख्त नापसंद करता है, इसलिए कि आटे को अब वो तरस रहे हैं। ये लोग तो रोटी का नाम लेते हैं, लफ्ज़ रेवाउटे ये इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पड़ोसी आटे का नाम ले रहा है कि इस सरजमीन के लोग आटे के लिए तरस रहे हैं, जहाँ की पैदावार गंदुम है, कपास है, वहाँ के लोगों को आटे के लिए तरसाया जा रहा है। जहाँ नमक की काने मौजूद है, वहाँ के लोगों को नमक महंगे तरीन कीमतों में दिया जाता है। जिस सरजमीन पर मौसम उतरते हैं, वहाँ सिर्फ एक ही मौसम है दो सालों से, कर्ब व इब्तला का मौसम। छोटे नन्हे मासूम बच्चों को कब्र में उतार दिया जाता है, बापों को जेलों की सलाखों में ठूंस के और गायब कर दिया जाता है, माओं के नौजवान आला तालीम याफ्ता बेटे सलाखों के पीछे से गायब हो रहे हैं, और इस शख्स के सर पे जूं तक नहीं रेंग रही है। सही कहता था कैदी नंबर 804 कि इनको मुझसे नहीं, इनको इस बात से दुख है, कर्ब है, अजियत है, तकलीफ है कि अवाम को जिंदा निकल जाने के रास्ते में मैं आ गया हूँ, इनके और अवाम के दरमियान मैं खड़ा हो गया हूँ। कोई किसी को खड़ा नहीं करता, दुनिया के तमाम मामलात को रब करीम चलाता है, तमाम रास्तों को वही खोलता है, लेकिन जो तकलीफ़ें मसाइल इस रास्ते में आ जाते हैं वो हमारी अपनी गलतियों की वजह से आते हैं, हमारे अपने गलत फ़ैसलों की वजह से आते हैं, हमारे अपनी खुदगर्जी और हमारे ख्यालात की परागंदगी की वजह से ये मसाइल हमारे सामने आते हैं। कहते हैं ना कि जो बोया है वही काटना पड़ेगा, तुमने जो बोया है वही काटना पड़ेगा। तुम्हारे फटे हुए ढोल की आवाज़ इतनी भद्दी है, इतनी भद्दी है कि लोगों को कर्ब व अज़ियत में मुब्तला करते करते अब उस जानिब रवाना कर रही है जिस जानिब कैदी नंबर 804 कहता है लोगों का एक हुजूम है। क्या इनके पास काम काज नहीं है? क्या इनके पास आराम का टाइम नहीं है कि रात गए ये बाहर निकल आते हैं? पाक सरजमीन की ये अवाम मौसमों को शिकस्त देने पर तुल गई है, लेकिन क्या ये आपको नहीं हरा सकती? आप हार चुके हैं, आप तस्लीम कर लीजिए कि आप हार चुके हैं, अब अपना रास्ता तलाश कर रहे हैं कि आपको किस तरफ चले जाना है। कराची यूनिवर्सिटी शोबे सियासियात के साबिक चेयरमैन जब मेरे उस्ताद थे तो अपने हर लेक्चर का आगाज़ अरशद करीम, इस खुदा उन्हें सलामत रखे, इस जुमले से किया करते थे कि वो जिसने पाकिस्तान के आईन को तोड़ और मरोड़ के पेश किया
उसका भी अंजाम इसी तरह तोड़ और मरोड़ के होगा। हम हंसते थे कि ये क्या कह रहे हैं, ये तो मुस्तकबिल की बात कह रहे हैं, किसकी ज़िंदगी क्या है, किसकी मौत किस तरह होनी है, हम तो ये नहीं जानते। लेकिन वाकई उनका एक जुमला दिमाग में अब सख्त हो गया है। वो उस्ताद थे, उन्हें आइन कानून की, इंसाफ अमल की फ़िक्र थी। लेकिन जो लोग कानून को बनाते हैं, इंसाफ को माशरे में आम करते हैं, उन्हें किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है। उन्हें सिर्फ इस बात की फ़िक्र है कि वो ग़ुलामी करें। और तारीख़ में उनका नाम इंसाफ पसंद के हवाले से नहीं, ग़ुलामों के हवाले से लिया जाए। एक जज जो जज की कुर्सी पर बैठ कर ख़ुद को बराए फ़रोख्त बना चुका है। दुनिया में इतनी खौफनाक मिसाल पेश की जा रही है कि ये लिखा जाएगा, ये पढ़ा जाएगा, लोग हैरान होंगे, आइंदा नस्लें इसे सुनकर इसे पढ़कर हैरान होंगी कि ऐसा भी हुआ, किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन नहीं किया, एक शख्स खड़ा हुआ है और उसके साथ पूरी आवाम खड़ी हुई है। लेकिन कोई ताकत है जिसने इस फटे हुए डोल को मज़ीद बचते रहने पर मजबूर किया हुआ है? वही ताकत होगी जो इतने कसीर तादाद में आवाम की खैरख्वाही चाहेगी। यकीनन हर अंधेरे के बाद सुबह का सूरज तुलू होता है, हर तारीकी के बाद सहर आती है। लेकिन जब किसी कौमों के ज़िंदगी में तारीकी फैल जाए और सहर का इंतज़ार हो, तो इसके लिए कौम को, लोगों को रात गए तक बाहर निकलना पड़ता है। कौम अब निकल गई है कि बहुत जल्दी उन्हें कामयाबी मिलेगी, क्योंकि जब बच्चे कब्रों में उतरने लगें, बूढ़ी औरतों को घसीटा जाए, धकेला जाए, सलाखों के पीछे डाला जाए और एक सेहतमंद औरत को मरीज़ बना दिया जाए जो कभी बीमार ना हुई हो, जिसे कोई मर्ज ना हो, उसे हर तरह की अज़ियत से दोचार कर दिया जाए, क्या तारीख़ में, पाकिस्तान की तारीख में ही, दूसरों को तो छोड़ें, जितनी मिसालें अब पाकिस्तान में मौजूद हैं फस्तायत की, जुल्म की, जोर की, सितम की, उसकी कहीं तारीख मौजूद नहीं होगी। क्यों? बरस हाँ बरस पहले का ये कहा हुआ जुमला याद आता है कि रोम जल रहा था तो नेरो बांसुरी बजा रहा था, नेरो का अपना महल जल रहा था उस आग में और वो बांसुरी बजा रहा था, यानी चैन और सुख की बांसुरी बजा रहा था। यही सूरत हाल इस वक्त है कि बांसुरी बजाने की नौबत ही नहीं आएगी। ढोल तो कब का फटा हुआ है, उसे अब भी ज़बरदस्ती बजाया जा रहा है। मान लो कि तुम हार चुके हो, हारे हुए हो और हारे हुए ही रहोगे। तारीख तुम्हें कभी अच्छे नामों से याद नहीं करेगी, इसलिए कि अवाम की जिम्मेदारी उस शख्स पे है जो कुर्सी पे बैठा है, जो हुक्मरान बना हुआ है। हुक्मरानी के जो लाजिम शरायत है वो भी जान लीजिए, शायद आपको ये भी मालूम नहीं। हर रास्ते में आने वाले को अपने रास्ते से हटा दो। वो शख्सियात जो गलत तरीके से अवाम को लूट कर, अवाम के वोट पर डाका मार कर इस वक्त कुर्सी सदारत पर बैठी हैं, हुक्मरान अपने आप को साबित कर रही हैं, तो ये एक अलग से फहरिस्त बनेगी। ऐसा हुआ, इस आइन में इस तरह हुआ, इस आइन को इस तरह तोड़ा गया। सियासियात और तारीख के तालिब इल्मों के लिए नए बाब खोल दिए हैं, इंतहाई स्याह बाब। अपने आप को मजबूत बनाते बनाते, अपने इक्तदार को मजबूत तरीन बनाते बनाते, इतना कमज़ोर कर लिया कि दूसरे ममालिक तुम पे हथौड़ा भी नहीं मार रहे हैं। हथौड़ा मारने की भी ज़रूरत नहीं है, एक बयान ही काफ़ी है। कहते हैं जब कोई किसी कुर्सी पे अपने नसीब से बैठ जाता है तो सामने अपनी मेज़ पे रखे हुए कागजात पे अच्छे फैसले करता है, लेकिन उसका दफ्तर सही नहीं चल सकता या फिर उसका घर डिस्टर्ब होता है। यहाँ तो हर चीज़ तहस नहस हो गई है। अगर आपने हाथ में डंडा उठा लिया है और कोई आपसे डरता है, तो दरअसल वो आपसे नहीं डरता, वो उस डंडे से भी नहीं डरता। किसी वक्त वही डंडा जो आपके हाथ में है वो शख्स पकड़ सकता है जिसे आप बहुत कमज़ोर समझ रहे हैं। मैं हूँ फरजाना रूही असलम। आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मेरा और आपका साथ जारी रहे।